हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाह बाजली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशन ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस, मैं आउट ऑफ इंडिया था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था आप लोगों के लिए। काफ़ी अपडेट्स आई थी जो मैंने फॉरगेट हो गया मेरे दिमाग से और मैं अपलोड भी नहीं कर पाया उस टाइम, ठीक है। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई हैव स्टार्टेड अब मैं अपलोड करूँगा हर एक वीडियोज़ आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है। आज से मैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट बना के दूंगा कि आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा जॉब आपको करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है टाटा स्टील की तरफ से, सेम वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले भी किया होगा। जो एडवर्टीजमेंट है वो है एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2023, ठीक है। ये न्यू रिक्रूटमेंट है टाटा स्टील की तरफ से जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन अप्लाई कर सकता है, स्टाइफंड कितना होगा, कितने साल का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी कितना होगा, कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है। एप्लीकेशन का वीडियो मैं नेक्स्ट डे में या फिर आज ही डाल दूंगा, तो आज ही आप इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ इसका कि रिक्रूटमेंट क्या चीज़ का हो रहा है। देखो, रिक्रूटमेंट हो रहा है किस चीज़ का, इंजीनियर्स प्रोग्राम 2023, ठीक है। टाटा स्टील की तरफ से एक अच्छा रिक्रूटमेंट आया है किस चीज़ के लिए, एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पर ही सबसे पहला जो है पोजीशन क्या रहेगा आपका, पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे, जो पोजीशन है आपका जो रहेगा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन रहेगा, जो एक साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा टाटा स्टील की तरफ से। एक साल के बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बना लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी है जो यहाँ पर ही प्रोग्राम, ये इंजीनियर प्रोग्राम मीन्स ट्रेनिंग करने के बाद टाटा स्टील में परमानेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे भी मैं हेल्प दिलवा सकता हूँ आप लोगों को, काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो के रिगार्डिंग। ना ही मैं इस वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कराता हूँ, आपको लोगों को पता होगा ये चीज़। अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में, तो देखिए प्रोग्राम डिटेल्स में क्या है कि अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो एक साल का ड्यूरेशन है, एक साल का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे अगर आप देखो तो जो ट्रेनी होगा, मतलब जो कैंडिडेट होंगे उनको रेगुलर ट्रेनिंग पीरियड में, मतलब यहाँ पर लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के दूसरा दिन आपको बुलाया जाएगा, परफेक्टली आपको जैसे काम किया जाता है, जॉब किया जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं टाटा स्टील की तरफ से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ देखिए आप बीई, सबसे पहले बीई कर सकते हैं, बीटेक भी कर सकते हैं और बीएससी भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होता है, ठीक है, स्पेसिफिक फील्ड होता है, स्पेसिफिक डिसिप्लिन होता है। आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि ए नंबर पर है सिविल स्ट्रक्चरल, बी में है सेरामिक, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट इंजीनियर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, मेटलर्जी, मिनरल माइनिंग, बेनिफिशिएशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेट्रॉनिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसके अंडर आता है ये, बीई, बीटेक और बीएससी के अंदर। ये सारा आप यहाँ पर ही देख सकते हो, अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड हम बात करें कि और यहाँ पर क्या क्या अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, बीई, बीटेक, बीएससी तो हो गया। अब हम बात करते हैं एमटेक और एमएससी का, तो एमटेक भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एमएससी के हो तो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। डिसिप्लिन क्या होना चाहिए आपका, ए नंबर पे जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ठीक है। अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, इस फील्ड से आपने एमटेक एमएससी किए हो, डेफिनेटली इसमें एलिजिबल हो, ओके। अब हम बात करते हैं इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन, मीन्स आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन, मीन्स जो लास्ट ईयर में है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियर्स, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्टली बीटेक या फिर बीई करते, ठीक है। तो डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद अगर आप सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो तब यहाँ पर आप एलिजिबल हो। सेकेंड, आपका जो अटेंडेंट होगा वो यूजीसी अप्रूव्ड, जो भी आपका कैंपस यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। अब परसेंटेज की अगर हम बात करें तो देखिए परसेंटेज में बहुत ही कम मिनिमम परसेंटेज रखा गया है, आप लोगों को पता होगा टाटा स्टील में बहुत ही कम परसेंटेज में यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है,
तो जनरल कैंडिडेट के लिए 6.5 CGPA होना जरूरी है, और अगर 65% आपका होना जरूरी है किसमें, BE, BTEC, BSc, MTEC, MSc के लिए। अगर आप ट्रांसजेंडर हो, PWD हो, SC, ST हो, कैंडिडेट्स उसमें आते हो, तो आपका 6 CGPA मीन 60% आपका होना चाहिए, और आपका जो फील्ड होगा BE, BTEC, BTEC, MTEC और MSc। तो ये चीज़ आप लोगों ने सब मीन्स सभी लोगों के पास ये चीज़ क्राइटेरिया होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेफरेंस, तो देखिए ज़्यादा कैंडिडेट जो है मेरे यूट्यूब के ज़्यादातर झारखंड या फिर ओडिशा के ही होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के भी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस। देखो यहाँ पर ही 5 पॉइंट में ऐसा बोल चुका है कि प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको दिया जाएगा, जो डोमिसाइल होगा, जो रहने का होगा किस स्टेट से, झारखंड से और ओडिशा से। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है झारखंड के लोगों को और ओडिशा के स्टूडेंट को, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर इस स्टेट से बिलोंग करते हो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करो, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई और स्टेट के होते हैं तो उनको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। पहला जो प्रेफरेंस होगा झारखंड एंड ओडिशा के स्टूडेंट्स को होगा, बट ऐसा मत सोचना कि अगर आप डिफरेंट स्टेट से हो, जैसे कि बैंगलोर से हो, कोई चेन्नई से हो, कोई अलग स्टेट से हो, तो उनको नहीं मिलेगा। मिलेगा, बट सबसे पहले झारखंड और ओडिशा वालों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड देखो झारखंड और ओडिशा अगर कैंडिडेट सही नहीं होते एग्ज़ाम देने के बाद, वो उनका रिजल्ट सही नहीं आता, डेफिनेटली उसके बाद ऐसा नहीं कि फेल हो जाने के बाद भी झारखंड या फिर ओडिशा को दिया जाएगा। अगर वैसा कुछ कैंडिडेट होता है तो आप लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो एज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, एज आप यहाँ पे पढ़ लो, अगर आप 25, 26, 27 भी हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें स्टाइफंड के बारे में, तो देखो फ्रेंड्स टाटा स्टील का स्टाइफंड काफ़ी अच्छी होती है और दूसरे कंपनी के अकॉर्डिंग। अभी क्या होता है कि जो लोग बीटेक करने के बाद भी कहीं कहीं जॉब करते हैं, तो उनका जो सैलरी होता है वो 15,000, 20,000, 23,000, 25,000 ऐसे करके होते हैं, लेकिन टाटा स्टील में आपको 30,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। कब? जब आपका ट्रेनिंग चलता होगा। तो इतना अच्छा बात है, मतलब एक तो वो आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, ऊपर से आपको स्टाइफंड भी दे रहे हैं, जो स्टाइफंड 30,000 है, ये काफ़ी मैक्सिमम स्टाइफंड है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट को जॉब मिलने के बाद भी इतने ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो टाटा स्टील की एक अच्छी बात है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो जॉब में कर रहे हो या फिर ट्रेनिंग में हो, उनकी पैकेज अच्छा से देते हैं, ठीक है। और भी चीज़ देखिए कि इंजीनियर ट्रेनिंग विल कवर मेडिक्लेम, अगर मेडिक्लेम भी होगा भाई यहाँ पर ही आपका 2,50,000 का पर एनम का मेडिक्लेम होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का मेडिक्लेम दिया जाएगा। और भी देख लो, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो थर्ड पॉइंट पर लिखा है कि जो आपका CTC होगा वो अप टू 7 लाख पर एनम होगा, ठीक है। 7 लाख काफ़ी ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि जॉब मिलने के बाद डिफरेंट कंपनी में जो ऐसे छोटे मोटे कंपनी होते हैं, फिर और भी जो बड़े बड़े कंपनी हैं बैंगलोर में, काफ़ी स्टूडेंट्स TCS में और भी टाटा ग्रुप में जो जॉब करते हैं या फिर डिफरेंट कंपनी में जॉब करते हैं, उनका सैलरी पैकेज 3.5-4 लाख तक ही रहता है। लेकिन टाटा स्टील में आप लोगों का ट्रेनिंग हो जाने के बाद 7 लाख का पैकेज यहाँ पर लगेगा, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय के लिए। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आपको अपॉइंटमेंट मीन्स अपॉइंट किया जाएगा किस तरीके से, असिस्टेंट मैनेजर के रोल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यहाँ कोई टेम्पररी बेसिस पे आपको जॉब नहीं जाएगा, जॉब दिया जाएगा, यहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, मीन्स आपका परमानेंट रखा जाएगा आप लोगों को ट्रेनिंग हो जाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट्स नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसका PDF मैं डाल दूंगा यूट्यूब में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड करके एक बार ये सारा चीज़ पढ़ लेना, अदर गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ। लिंक की अगर बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आप फिल कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है 11/6/2023, आज हो गया आई थिंक 9 है, ठीक है। 11 तारीख आपका लास्ट डेट है, तो 9, 10, 11 आप 3 दिन बाकी हो, क्योंकि मेरा भी लेट हो गया ये अपलोड करने में, तो काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे यूट्यूब चैनल में है उन लोगों को शायद ही अपडेट ना मिला हो या फिर किसी और यूट्यूब चैनल से अपडेट मिला हो, अगर वो कर चुके हैं तो इट्स वेरी गुड, अगर जो लोग नहीं किए हैं उनको ये सब चीज़ के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आपके फ्रेंड्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, या फिर
लास्ट सेमेस्टर में भी है तब भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, उनको अपडेट ज़रूर देना ताकि वो भी इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी उठा सके। जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके उसमें लिंक जो भी फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म तो आप लोगों ने भरा होगा, काफ़ी ईजी होती है, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत माइनर इन्फॉर्मेशन होता है आप लोगों का, नेम डिटेल्स होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स होगा, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल्स होगा, बस सबमिशन है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कोई फीस नहीं है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है फीस का, तो यहाँ पर अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट है फ्रेंड्स 11 जून लास्ट डेट है, तो प्लीज़ अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक क्लिक करो, आप वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करो अभी के अभी, ताकि लेट मत करो, ताकि आप देखो क्या होता है ना कि अगर आप अभी फिल कर दोगे तो आने वाले वीडियोस में मैं प्रैक्टिस ही बताऊंगा कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ होनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, किस चीज़ पर फोकस करना है। तो हर एक टॉपिक के बारे में इससे पहले भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम का एग्ज़ाम हुआ था, मैं काफ़ी हेल्प किया था आप लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे यूट्यूब चैनल से हैं काफ़ी का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो एक तो टेलीग्राम में वो ज्वाइन हो चुके थे, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ भी हेल्पफुल है, तो 600 वहाँ पर ही कैंडिडेट है। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो, टाटा स्टील के स्टूडेंट से बात करना चाहते हो, काफ़ी वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो आप वहाँ पर ही जुड़ कर वहाँ पर उनसे डिस्कशन कर सकते हो, और वहीं पर ही सब कुछ डिस्कशन होता है फ्रेंड, तो काफ़ी अपडेट आपको मिल जाएंगे आने वाले वीडियोज़ को, हर एक चीज़ के लिए। इवोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, देखो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा सबसे पहले तो उनको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट होगा, ठीक है। सेकंड जो है शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट किया जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या तो पर्सनल इंटरव्यू होगा मींस फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, या फिर वर्चुअल मीडियम भी हो सकता है, जो मेरा वर्चुअल जो ऑनलाइन इंटरव्यू है दोनों हो सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट लगता है कि यार अगर बताओ कि अगर मैं एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाने के बाद मैक्सिमम लोग को वो बुला सकते हैं पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट लोकेशन में रहते हैं या फिर फार अवे फ्रॉम द लोकेशन होते हैं, तो उनको ऑनलाइन दिया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सब भी होते हैं, ये ऑनलाइन होगा, मस्ट होता है ऑनलाइन, बट याद रखना ऑफलाइन भी इंटरव्यू हो सकता है, बट जो एग्ज़ाम होगा आपका वो होगा ऑनलाइन, ठीक है। टेक्निकल टेस्ट और कॉग्निटिव टेस्ट ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, तो घर बैठे ही आपको लोग आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, घर बैठे आप लोगों को टेस्ट देना है, घर बैठे ही आप लोगों को इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन हो गया दैट्स वेरी गुड, आप लोगों को बुला लिया जाएगा टाटा स्टील में झारखंड या फिर ओडिशा या फिर किसी और ग्रुप में, वहाँ पर बुला के आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है वो हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन फ्रॉम टाटा स्टील विल बी थ्रू career@tatastill.com। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो career@tatastill की तरफ से आप लोगों को एक नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप एलिजिबल हो तो टेस्ट का नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों का टेस्ट कब होने वाली है। तो यही ईमेल जो है career@tatastill.com से, ये वैलिड ईमेल आईडी है टाटा स्टील की तरफ से, यही एग्ज़ाम मतलब इसी ईमेल आईडी से आप लोगों को सारा अपडेट मिलेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, एग्ज़ाम में पास हो गए तो इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू में पास हो गए तो आप लोगों को सिलेक्शन डेट दिया जाएगा। तो ये जो मेल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी मेल के थ्रू आप लोगों को सारा अपडेट दिया जाएगा टाटा स्टील की तरफ से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि टाटा स्टील और इट्स हायरिंग पार्टनर डू नॉट आस्क कैंडिडेट डिपॉजिट मनी फॉर एनी जॉब ऑफर। यस, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टाटा स्टील की तरफ से कभी भी पैसा नहीं मांगा जाता है किसी और कैंडिडेट से कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना है तो पैसा भरना। अगर आप लोगों को ऐसा कोई कॉल आता है कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम टाटा स्टील यू हैव टू पे दिस अमाउंट, सो डेफिनेटली आप वो चीज़ पर फोकस मत करना, वो स्पैम होता है, काफ़ी ऐसे हुए हैं, इसलिए ये लोग डाल देते हैं कि अगर आपसे कोई भी ऐसा बात कर रहा है कि मैं टाटा स्टील से कॉल कर रहा हूँ आप लोगों को जॉब देने के लिए, आप इतना पेमेंट करो तो मैं यहाँ पर इंटरव्यू या फिर जॉब दिला सकता हूँ, फ्रेंड्स ये गलती मत करना, क्योंकि मेरे प्रीवियस जो फ्रेंड्स से ऐसा कुछ गलती करते थे, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता जॉब पाने के लिए वो लोग 2000-3000 का पेमेंट वो लोग ऑनलाइन करवा देता है, ये लोग करते भी हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना जेन्युइन रिपोर्ट्स होता है कि आप लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा कि हाँ ये टाटा स्टील का एम्प्लॉय है या फिर कौन है। तो इतना याद रखना, जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका वो होगा इस मेल से career@tatastill.com से, और कोई चीज़ पे फोकस मत करना, अभी कॉल आता हो तो उस पर फोकस मत करना, पैसा मांगता हो तो वो चीज़ डिपॉजिट मत करना, अगर ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो फ्रॉड में जाके आप वहाँ पर मेल कर सकते हो career@tatastill की तरफ से कि ये नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, ऐसा पैसा मांगते हो, उस पर एक्शन जरूर लिया जाता है,
ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि टाटा स्टील इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू और मेक ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स बिहाफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये था वीडियो आप लोगों के लिए टाटा स्टील की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट इंजीनियर प्रोग्राम 2023 को लेकर, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों को अपडेट करने में, ताकि आप लोग यहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही अप्लीकेशन फॉर्म का कोई फ़ी नहीं है, स्टाइपेंड आपका 30,000 है। कंप्लीट हो जाने के बाद, ट्रेनिंग एक साल का है, एक साल कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को 7 लाख का पैकेज यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले हो। अगर न्यू हो इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इफ़ यू वांट मोर अपडेट फ्रॉम टाटा स्टील और सब अदर जॉब रिक्वायरमेंट, और जो भी एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ मैकेनिकल के बारे में या फिर सीवी के बारे में, आज से ही मैं अपना बोर्ड लगा चुका हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया था तो उतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई थी वहाँ से वीडियो बनाने में, काफ़ी मेरे यहाँ पर ही छूट गए थे, लगभग 1 महीने से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट आज ही मैं पूरा सेटअप किया हूँ, तो जो भी चीज़ है वो चीज़ अपडेट कर दूंगा आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे। और डिस्क्रिप्शन में आके पूरा चीज़ देख लेना आप, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाना। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।